सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज मैं हर्ष पर्वत की पहाड़ी पे जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हिल ट्रेनिंग, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वीक में एक बार आपको हिल ट्रेनिंग बहुत करना अनिवार्य है, क्योंकि पैरों में पावर बढ़ाने या तो हिल ट्रेनिंग करो या शेड रनिंग करो या फिर चढ़ाई की रनिंग करो, ये सारी करनी जरूरी है, क्योंकि ये करोगे तभी आपके पैरों में पावर आएगा। पावर आएगा तो आपका 1600 मीटर का टाइम एकदम बेस्ट बेस्ट आएगा, क्योंकि जैसे आप दिखाई दे रहे हमारे बच्चे वहाँ आइए इधर से चढ़ाई करते हैं आप लंबी और वापस स्लो स्लो आते हैं, तो पैर में क्या होता है जो पावर है ना वो पावर रहता है। तो इस चीज़ का आप ऊपर देख सकते हैं ये पहाड़ी ऊंची है, इसके ऊपर सीढ़ियों की तरह शॉर्टकट रास्ता है, उधर से भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर आता है, 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम वीक में एक बार ये करवाते हैं, क्योंकि जिससे पैरों में पावर ज़्यादा आता है। अब बच्चे एकदम स्लो स्लो वापस आ रहे हैं, फिर वापस इसमें चढ़ाई करेंगे, फिर वापस आ रहे हैं, ये बार बार आप दोहराओगे तो आपकी सांस की समस्या जो अप डाउन होती है, जो फेफड़ों में लेने की क्षमता है वो सही हो जाएगी। जैसे 30 से 34 राउंड में आपका मन करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है कि हाँ 1600 मीटर का टाइमिंग दे दो कि सांस बहुत ज़्यादा भर गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल भी आप हिल रनिंग जरूर कीजिए, तभी आपका फायदा होगा। बच्चों में जोश और जुनून है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं हिल ट्रेनिंग की, आप देख सकते हैं बच्चों में जोश है, आप देख सकते हो पूरा कंटिन्यू इसमें पूरा आप कंप्लीट वॉच कर लिए। तो आप भी करना चाहते हो तो हमारे पास आ सकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें हिल अब स्लो 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 करके वापस आए, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाए पीछे, इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। अब देखिए बच्चों को पूरी हालत खराब हो सकती है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और जय हिंद जय भारत। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको पीछे कवर कर ले, आपको एक साइड से स्पीड से जाना है, पूरा अपने बॉडी का 60 से 70% बॉडी का एफर्ट लगा के जिस साइड से चढ़ाई उस साइड से चढ़ना है लंबे स्टेप के साथ, और वापस आते वक्त आप पूरा टर्न देके पूरा आगे। ये प्रक्रिया आपसे 5 से 6 बार दोहराओगे तो आपका 1600 मीटर का टाइम एकदम बेस्ट आएगा, पैरों में पावर आएगा, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि 1600 मीटर में 30 से 34 राउंड में हमारी जो पैर की थाई होती है वो भर जाती है। इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीक में एक बार ज़रूर कीजिए, और हमारे पास आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों ये इस प्रकार से 100 से 150 मीटर की चढ़ाई ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने यार दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, फिजिकल एंड फिटनेस टिप्स के लिए फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत।